उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित। खटीमा की काजल प्रजापति ने 98.40% अंक हासिल कर हाईस्कूल में किया टॉप। अल्मोड़ा में 10वीं स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2018 की शुरुआत। डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। 350 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। जसपुर में बदमाशों ने दिया हत्या की वारदात को अंजाम। गोली मारकर वृद्ध को उतारा मौत के घाट। पुलिस मान रही पुरानी रंजिश का मामला। हल्द्वानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ट्रांसफार्मर का सामान चुराने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। भारी मात्रा में ट्रांसफार्मर का सामान हुआ बरामद। रुड़की में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लकी जगवानी। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अल्मोड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जल्द से जल्द निकाय चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने निकाय चुनाव में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। प्रकाश पंत ने कहा कि राज्य सरकार ने एक साल में विकास के तमाम काम किए। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार के कामों के आधार पर बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। काय के चुनाव की जो निर्देश माननीय न्यायालय ने दिए हैं उनकी अनुपालना होगी और यथाशीघ्र उसके चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में बेहतर परिस्थिति के साथ आएगी, अपनी उपस्थिति बेहतर दर्ज कराएगी और हमारे जिस तरह से हमने विगत एक वर्ष के अंदर विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाया है, हमारा दूरदृष्टि के आधार पर चार सालों के अंदर हमारा कार्यकाल चलेगा, ये सब कुछ है क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विकास के लिए प्रतिबद्ध पारदर्शी तंत्र हम विकसित करके चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो नगर निकाय चुनाव पर पेंच फंसा था और अब बात आ रही है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव होंगे। अल्मोड़ा पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत और इन्होंने कहा है कि जल्द ही निकाय चुनावों की घोषणा होगी और साथ ही साथ इन्होंने कहा बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन का ये दावा कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दीपक, क्या कुछ जानकारी है, क्या लगता है जल्द से जल्द अब निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है? देखिए, जो सरकार है या फिर सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का निर्णय आ चुका है तो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जल्द ही जितने जल्दी हो सका वो चुनाव करवा देंगे और उसके लिए सरकार ने अपनी पूरी कोशिश कर चुकी है और जैसे ही इस पे काम होता है तत्काल इसकी तिथि घोषित कर दी जाएगी। दीपक, क्या लगता है तो अब तक जो चुनाव की तैयारियों पर ब्रेक लगा था अब उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तक जो मामला था कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में अटका हुआ था तो इसलिए सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से बहाने भी कर रही थी कि हम हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही हम चुनाव प्रक्रिया आगे को करेंगे। अब इस समय क्योंकि विपक्ष का भी इस समय दबाव चरम पे है और अब हाईकोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी तो सरकार को कहीं ना कहीं जल्द ही जो तारीख है उसका ऐलान करना पड़ेगा। दीपक, क्या कुछ आसार नजर आते हैं, कब तक हो सकते हैं निकाय चुनाव? देखिए, ये सब अब सरकार के पाले में ये सारा अब मामला है। सरकार जब भी सरकार को अपने हिसाब से उचित लगेगा अब सरकार उसको चुनाव की तिथि घोषित करेगी, लेकिन चूंकि जो विपक्ष है विपक्ष कहीं ना कहीं दबाव डाल रहा है और अभी आप हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द निकाय चुनाव करने के निर्देश दिए हैं तो इसलिए सरकार को भी इसको जल्द से जल्द अब कराना पड़ेगा। धन्यवाद दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। तो जल्द ही अब निकाय चुनावों की घोषणा होगी। आपको बता दें कि बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत अल्मोड़ा पहुंचे और उन्होंने इस बाबत जानकारी दी और कहा कि जल्द ही निकाय चुनावों की घोषणा होगी।
वहीं रुद्रप्रयाग जीआईसी बाड़ा की स्थापना के 50 साल पूर्ण होने पर विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी ने किया। इस दौरान विद्यालय की प्रथम पुस्तिका दर्पण का विमोचन भी किया गया। जनपद के अति दूरस्थ विद्यालय में पहली बार रजत जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख जगमोहन रोथाण ने अपनी निधि से निर्मित सभा स्थल का लोकार्पण किया। रूप से ये पहली बार इस विद्यालय में वार्षिक दिवस मनाया जा रहा है और क्योंकि मैं इस विकासखंड का क्षेत्र पंचायत प्रमुख हूँ और मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं इस क्षेत्र में समय समय पर विद्यालयों में समय समय पर क्षेत्र की समस्याओं में तत्पर रहूँ और इस कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ पे विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा एक दर्पण पत्रिका का विमोचन भी किया गया जिसमें माननीय विधायक जी भी थे और उस पत्रिका के माध्यम से यहाँ पे जो कार्यकलाप विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे हैं और जो कार्य होने हैं उसमें पूरी। वहीं अल्मोड़ा में 10वीं स्टेट ताइकांडो चैंपियनशिप 2018 की शुरुआत हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने किया। दो दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 8 जिलों से टीमों ने हिस्सा लिया जिसमें 350 से ज्यादा खिलाड़ी अल्मोड़ा में जलवा बिखेर रहे हैं। वहीं चैंपियनशिप में विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि ताइकांडो को अभी मान्यता नहीं मिली है, सरकार से ताइकांडो को मान्यता दिलाने की कोशिश की जाएगी। सर 10वीं राज्य स्तरीय ताइकांडो प्रतियोगिता चल रही है, इसमें हमारे पूरे उत्तराखंड से 8 टीमें भाग ले रही है 8 जिले के और लगभग इसमें 350 के आसपास में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी सरकार की ओर से इसको मान्यता नहीं मिली है लेकिन हम प्रयास करेंगे कि सरकार इसको मान्यता प्राप्त दे। इसको मान्यता देने के बाद हमारा इस खेल और आगे उठे और आत्मरक्षा का जो उसमें सर्वक गुण है वो गुण हम सबको मिलने चाहिए और दूसरी बात है कि एकता का परिचय भी होता है, इसमें एकता का परिचय होता है और सारे कार्यक्रम इसमें होते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के गृह क्षेत्र गदरपुर के गुलर भोज में पहली बार होने जा रही निकाय चुनाव काफी रोमांचक स्थिति में है। बता दें कि उत्तराखंड के गुलर भोज नव नियुक्त नगर पंचायत है जिसमें कुल मतदाता संख्या 4584 है। वहीं कुल मिलाकर बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है क्योंकि वर्तमान समय में मंत्री अरविंद पांडे के गृह क्षेत्र होने के चलते बीजेपी समर्थक ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी निकाय चुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। का मेन मुद्दा विकास, यहाँ की जनता काफी गरीब जनता है और यहाँ की जनता के लिए विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। पार्टी हाईकमान अगर मुझे नहीं प्रत्याशी घोषित करती है तो मैं निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। जनता का रुझान मेरे साथ है, जनता काफ़ी उत्साहित है मेरे निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होने पर, तो जनता कहती है कि आप चुनाव लड़िए हम आपके साथ हैं। देखिए नगर पंचायत का जो इलेक्शन होता है जैसे लोकल होता है और इसमें पार्टी का असर कम रहता है और क्षेत्र की जनता के बीच में जिसकी अच्छी पकड़ है उस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। देखिए हमारा तो युवा को लेकर सोच है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा मेन कदम है और जहाँ तक है युवाओं के बीच में बहुत अच्छी मेरी पकड़ है और युवा पीढ़ी से लेके बुजुर्ग भी विश्वास जताया है। पिछले 8-10 साल से मैं सक्रिय हूँ और लोगों का विश्वास मैंने जीता है। उधर रुड़की में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। जगन्नाथ रथ यात्रा के पंडित राधा रमन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि ब्राह्मण पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ की यात्रा को देखता है और भगवान के स्वागत के लिए उठ खड़ा होता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस शहर को यह हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के रूप में सुख समृद्धि शांति देगा और 11 साल से यहाँ का समाज, यहाँ के श्रद्धालु लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यात्रा से जो है उनको एक मानसिक लाभ, जो आज के समय में हर व्यक्ति जो है उत्तेजना में है, क्रोध में है और डिप्रेशन में है,
तो इस प्रकार से जब इस यात्रा में लोग भाग लेंगे और हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो उनका जो मानसिक तनाव है वो समाप्त होगा। वह दर्शकों को बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। इस वक्त की अहम खबर दर्शकों को बता दें, राज बब्बर को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हजरतगंज से इन्हें गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि राज बब्बर को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हजरतगंज से गिरफ्तार किया गया है राज बब्बर को। लखनऊ पुलिस ने राज बब्बर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, हजरतगंज से गिरफ्तार किया गया है राज बब्बर को। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राज बब्बर को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे राज बब्बर और इस दरमियान लखनऊ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पुनीत, क्या कुछ जानकारी है? हजरतगंज से राज बब्बर को गिरफ्तार किया गया है। जी लकी, आपको बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज कांग्रेस कार्यालय देश भर में मोदी सरकार के फेलियर 4 साल नाम से कार्यक्रम कर रही है और लखनऊ में भी ये कार्यक्रम था। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी 2 बजे। इससे पहले वो सभी तहसील स्तरों पे, सभी जिला स्तरों पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जा करके ज्ञापन दे रहे हैं। इसी क्रम में राज बब्बर जी भी लखनऊ के डीएम को ज्ञापन देने गए थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ और लौटते समय हलवासिया हजरतगंज में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस समय की सिचुएशन ये है कि उनको अरेस्ट करके पुलिस लाइन ले जाया गया है। जी लकी, उन्हें जानना चाहेंगे राज बब्बर के साथ में कितने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया? जी, राज बब्बर जी के साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता थे जिनके ऊपर पहले लाठीचार्ज किया गया, फिर उनको बसों में भर करके सीधे पुलिस लाइन ले गया गया। इसको सीधे तौर पे आप इससे भी जोड़ करके देख सकते हैं क्योंकि दो बजे उनकी पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे और मोदी सरकार के जो वादे थे 4 साल पूरे होने पर जो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं उसको लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसको जोड़ करके भी आप देख सकते हैं कि इसी के तहत उनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेज दिया गया क्योंकि वो ज्ञापन दे करके वापस लौट रहे थे। जी लकी, उन्हें जानना चाहेंगे जो हजरतगंज का अभी क्या कुछ माहौल है। जी, हजरतगंज में जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो सैकड़ों कार्यकर्ता इनके साथ में थे, काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने जोर जबरदस्ती के साथ में, क्योंकि आज उपराष्ट्रपति का भी आगमन है लखनऊ में, इसको लेकर के शक्ति दिखाते हुए बसों में उनको बैठा करके और पुलिस लाइन भेज दिया। हालांकि अभी हालात सामान्य है। जी लकी, धन्यवाद पुनीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में राज बब्बर को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे राज बब्बर। वहीं मसूरी के माल रोड पर निजी स्कूल ने जन जागरूकता रैली निकाली। वहीं रैली के माध्यम से स्कूली छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया। रैली के माध्यम से बेटियों पर हो रहे अत्याचार के प्रति समाज को जागरूक करने की अपील की गई। ये रैली जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत निकाली जा रही है। हैम्पटन कोर्ट के बच्चे समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। सभी बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए, बेटियों को साक्षरता मिलनी चाहिए, उनका कोई भी शोषण नहीं होना चाहिए। आए दिन न्यूज़पेपर में जो खबरें सुन रही है, गलत खबरें आ रही हैं, वो हमारा कोई भी विद्यार्थी कोई भी समाज का इंसान हमें नहीं चाहता है। तो ये रैली इसलिए। रुद्रपुर में नगर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाम की स्थिति से निपटने और सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस ने वन वे और नो एंट्री का सिस्टम शुरू किया है। इस विषय में पुलिस ने व्यापारियों के साथ मीटिंग की, साथ ही इस व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस लाइन ट्रैफिक CPU और होमगार्ड के जवानों की अलग से ड्यूटी लगाई जाएगी। रुद्रपुर शहर में यातायात व्यवस्था को देखते हुए हमने बाजार में जहां पर भीड़भाड़ ज्यादा होती है कुछ वन वे सिस्टम शुरू किया है। व्यापारियों के साथ कल मीटिंग भी हमने करी है, सभी लोगों ने इसमें सहमति जताई। रुद्रपुर शहर की मेन बाजार में अलग अलग गलियां हैं जिसको अल्टरनेट गलियों को वन वे और नो एंट्री किया है, जिससे हमें आशा है कि इसमें रुद्रपुर शहर के अंदर की यातायात व्यवस्था ठीक रहेगी और व्यापारियों का सहयोग भी हम लोग इसमें लेंगे। काशीपुर में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के चलते क्षेत्र में सड़क पर जाम की स्थिति बनी है जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यातायात को सुचारू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।
फ्लाईओवर के निर्माण के चलते लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए काशीपुर पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। बता दें कि क्षेत्र की जनता रेलवे ब्रिज की काफी लंबे समय से मांग कर रही थी। वहीं एएसपी जगदीश चंद्र ने बताया कि यातायात को सुचारू करने के लिए रूट बदले गए हैं, जिसके लिए पोस्टर और बोर्ड जगह जगह लगा दिए गए हैं। कस्बे में दो फ्लाईओवर जिनका निर्माण कार्य एक साथ प्रारंभ किया गया है, इससे ट्रैफिक की समस्या आ पड़ी है। इसके लिए स्थानीय पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए डाइवर्जेंस बनाए हैं, अल्टरनेटिव ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें बाजपुर से आने वाला जो हैवी ट्रैफिक है उसको परमानंतपुर मोड से डाला जाएगा और इधर टाडा उज्जैन से निकालते हुए मंडी और सूर्या और जसपुर के लिए निकाला जाएगा। जो बिजनौर से और मुरादाबाद से व्हीकल्स आएंगे उनको बैलजीडी से होते हुए ढेला पुल के द्वारा मानपुर रोड होते हुए निकाला जाएगा स्टेडियम की ओर को, और रामनगर और केला मोड़ की ओर को निकालते हुए जैतपुर से बाजपुर की ओर को डाला जाएगा। जो स्थानीय चारपहिया वाहन है स्थानीय लोगों के, उनको सुविधा दी जाएगी कि वो शहर के अंदर अप्लाई कर सकें। चूंकि हैवी वाहन जो है सबसे ज्यादा केओस करेंगे, इसलिए ये ट्रैफिक प्लान अभी हैवी व्हीकल्स के लिए है। आज उत्तराखंड में बोर्ड रिजल्ट घोषित किए गए। बता दें कि खटीमा के निवासी काजल प्रजापति ने 98.40% अंक हासिल कर हाईस्कूल की टॉपर बनी। वहीं हमारे संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता ने काजल और उसके परिवार से की खास बातचीत। उत्तराखंड बोर्ड का हाईस्कूल इंटर का जो आज यहाँ परिणाम घोषित हुआ है, उसी को लेकर सीमांत क्षेत्र खटीमा में राणा प्रताप विद्यालय की एक बालिका ने उत्तराखंड टॉप किया है, जिसको लेकर हम उसके परिवार न्यूज इंडिया परिवार न्यूज इंडिया टीम पहुंची है। और खास बातचीत के लिए काजल प्रजापति ने 98.40% की परसेंटेज हासिल की है, जिसको लेकर आज खास बातचीत करते हैं इंडियन न्यूज से। काजल बेटा, क्या कुछ कहना चाहते हैं, किसको श्रेय देना चाहती हैं और कितनी खुशी महसूस हो रही है? अपने स्कूल के गुरुजनों, अपने माता पिता और भाई बहनों और दादाजी को इसका श्रेय देना चाहती हूँ। घर के सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने आज सबका नाम रोशन किया है और मैं आज बहुत खुश हूँ। बड़े होकर और क्या सपने हैं आपके? मैं आईआईटी करना चाहती हूँ इंटर के बाद। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली पढ़ने की? अपने बड़े भाई बहनों से। मेरे साथ यहाँ सीमांत क्षेत्र खटीमा में जो काजल प्रजापति ने टॉप किया, हम उसके परिवार में खड़े हैं, इनकी माँ से बात करते हैं कि कितनी खुशी महसूस हो रही है। आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैं किसी को बता नहीं सकता। मेरे साथ इनका परिवार था, पिताजी राजकुमार प्रजापति हैं, इनसे बात करते हैं, इनको बड़ी खुशी हो रही है। तीन लड़कियों के पिता हैं और सबसे बड़ी लड़की इनकी काजल प्रजापति है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो आज मेरी बेटी काजल प्रजापति ने उत्तराखंड में टॉप किया है, आज मैं इसको लेकर बहुत खुश हूँ और मैं अपनी बेटियों को किसी बेटे से कम नहीं समझता हूँ और आज मुझे बहुत गर्व है अपनी बेटी। राणा प्रताप विद्यालय हमेशा ही अव्वल रहा है बालिकाओं में, अव्वल हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा में, आज फिर बाजी मारी है 2018 में काजल प्रजापति ने। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, न्यूज इंडिया, खटीमा। वहीं डोईवाला में जंगलों में आग और तालाब के सूखने से जंगल में रहने वाली जंगली जानवर परेशान है और उन्हें जान जोखिम में डालकर पीने के पानी की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों का रुख करना पड़ रहा है। ताजा मामला ऋषिकेश के आसपास के जंगलों का है, जहां जंगलों में लगी आग से बेजुबान जंगली जानवर परेशान है और अब अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी और आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ क्षेत्र के जंगलों में आग धधकनी शुरू हो चुकी है। हालत ये हो चुके हैं कि आग लगने से पूरे क्षेत्र में भारी धुआं होने लगा है, जिसके चलते ग्रामीणों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंगोली हाट और बेरीनाग ब्लॉक के राई आगर चड़मन्या क्षेत्रों के जंगलों में धू धू कर जल रहे हैं। आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई, लेकिन वन विभाग जंगलों में लगी आग की सुध लेते नहीं दिखाई दे रहे। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे पूरे उत्तराखंड के हर क्षेत्र में, चाहे कुमाऊं ले लो, गढ़वाल ले लो, किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, हर जगह जंगल धू धू जल रहा है। न प्रशासन की ओर ध्यान है, न क्या कहते हैं वन विभाग का ध्यान है।
शासन प्रशासन वहाँ आपका चुनाव एकदम बिजी है, वो इस और उनका ध्यान है नहीं और पूरे जंगल बुरी तरह वहाँ जल रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो है उन जंगलों में जो जानवर हैं उनके बुरे हाल हैं। और मैं मानता हूँ कि सरकार और वन विभाग इसमें फेल बुरी तरह फेल हो चुकी है। वन विभाग को सूचना दे के भी वन विभाग पहुँच नहीं पा रही है, जंगल में लगातार आग लगने में है। गाँव के जितने भी युवा हैं सारे आग बुझाने में लगे हैं। गाँव में काफ़ी पानी की भी समस्या है जिसमें गांव में लड़के तो है ना, इस आग लगने के चक्कर में स्कूल भी छूट जा रहा है उनका, क्योंकि गांव को काफ़ी खतरा पड़ा हुआ है। और वन विभाग को फोन तो कर रहे हैं, उनको लगातार कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं लेकिन उनकी सूचना अभी तक कुछ नहीं हो रही, कवरेज क्षेत्र से बाहर बताया जा रहा है नंबर। रुद्रपुर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने केंद्र की बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने आम जनता से झूठे वायदे करके सत्ता तो हासिल कर ली लेकिन आज तक कोई वायदा पूरा नहीं किया। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 4 साल पूरे होने पर आज सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं, देश का किसान व्यापारी आम आदमी सभी परेशान है और सरकार केवल जुमलेबाजी करने में लगी है। नैनीताल से दिल्ली जा रही रोडवेज परिवहन की बस ब्रेक फेल होने की वजह से सड़क पर पलट गई। बता दें कि बस में 23 लोग सवार थे जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी यात्री नैनीताल से दिल्ली जा रहे थे। दरअसल घटना के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में लाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। वहीं घायलों ने आरोप लगाया कि ड्राइवर बहुत तेज बस चला रहा था जिसके चलते यह हादसा हुआ। नैनीताल से दिल्ली जा रहे थे, वो बस रामनगर की थी। नैनीताल से मुश्किल से 10 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग घायल? करीब 10 लोग, 20 सवारी थी उसमें 7-8 लोग घायल हैं। हमारी बच्ची तो बहुत जबरदस्त घायल हो गई। अच्छा, क्या कारण मान रहे हैं? ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। वो हम ड्राइवर का ही गलती बताएंगे क्योंकि ड्राइवर बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था। हम लोगों ने उसको बोले भी कि थोड़ा धीरे चलाओ पर उसने नहीं सुना, वो अपनी स्पीड में चलाता रहा और उसके बाद कुछ आगे जा करके कुछ दूर खाई से थोड़े ऊपर में वो गाड़ी पलट गई उसने। फिर हमारे 2 बेटी हैं, उन दोनों को ज़्यादा चोट आई है और सबको थोड़ा बहुत लगा हुआ है और इधर उधर लोग हो गए लेकिन और लोगों को कितना क्या हुआ मुझे। उत्तराखंड के हल्द्वानी के चोरगलिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर के सामान को चोरी करने वाले के गिरोह का पर्दाफाश किया। चोरगलिया पुलिस ने एक शातिर चोर को 12 बंडल तांबे की कायल, 3 बंडल क्वायल, 4 बुकिंग रॉड और ट्रांसफार्मर के कई महत्वपूर्ण सामान सहित कई अन्य सामान बरामद किए। ट्रांसफार्मर चोरी का मामला था, ये चोरगलिया क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर से चोरी हुई थी जिसमें कि मुकदमा पंजीकृत हो रखा था। तो इसमें ड्यूरिंग चेकिंग ये एक सेंट्रो कार दिखी, तो सेंट्रो कार में संदिग्ध प्रतीत हुई तो इसमें चेकिंग की गई तो इसमें सामान मिला है जो कि ट्रांसफार्मर का सामान है। इसके साथ ही एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि बरेली का रहने वाला है, जिससे अभी पूछताछ की जा रही है। कायदे से जो अभी तक की पूछताछ से पता चला है तो एक प्रोफेशनल ट्रांसफार्मर चोरी करता हुआ है। इसने इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज भी, इसको इलेक्ट्रिक केबल्स का नॉलेज भी है, इस कारण ये चोरी करता। और इसी के साथ ही अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।